चंद के लिए अभी है लगन। मेरी मम्मी दिमाग से फिलहाल घर में थोड़ी है, ऑनलाइन लेंगे जिंदाबाद। यहाँ लगने लगी है दीदी लोगों को मेहंदी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियलिटी चेक बाय शेफ्रा। वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ब्लॉग शुरू हो रहा है। आज है मेहंदी वाला दिन और साथ ही साथ लगन, तो सबसे पहले होने वाला है लगन का फंक्शन, फिर होंगी मेहंदी। तो हमने तो कल ही मेहंदी लगा ली थी और कलर काफ़ी सुंदर आया है। ये जो पार्ट उन्होंने बनाया तो बहुत सुंदर लग रहा है। गणेश जी, शहनाई, कलश, फिर फेरों वाला एक पार्ट है नीचे। तो इस तरीके से पूरी मेहंदी बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लगाई और मुझे काफ़ी पसंद है। पैरों की मेहंदी भी बहुत सुंदर लगाई। आजकल तो केमिकल वाले कलर होते हैं तो मेहंदी ऑटोमेटिकली रची जाती है, कुछ करो या ना करो। और अब हम रेडी हो चुके हैं पहली बार के लिए, यानी कि फर्स्ट नाश्ता वास्ता करने के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। पहले जाके फटाफट नाश्ता करके आएंगे, फिर रेडी होंगे मेन फंक्शन के लिए। लगन फर्स्ट है, देन शाम में है मेहंदी और बन्ना बनने वाला फंक्शन। तो उसके लिए कुछ नया लुक करने का सोचा है, जैसे कि हमारी महाराष्ट्र थीम है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम तैयार होंगे। तो बस सब अफरा तफरी मची है और साथ के साथ सारे रूम्स वगैरह सेट हो रहे हैं, सारे बेडशीट चेंज हो रही है, तो साइड बाय साइड बहुत सारे काम भी चल रहे हैं। नीचे पूरा मैसी मैस है, हर जगह सामानों का जखीरा भरा पड़ा है, हर जगह आपको सूटकेस दिख जाएंगे और बस थोड़ा थोड़ा सामान भवन शिफ्ट हो जाएगा। तो पूरा दिन बहुत एक्साइटिंग है, तो पूरे दिन बने रहना, बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। और सक्षु भी उठ गया है। गुड मॉर्निंग सक्षुड़ी। गुड मॉर्निंग गाइस। सक्षु भी गुड मॉर्निंग बोल रहा है। रेडी हो जाओ बेटा, चलना है अपने को, चले। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. फर्स्ट फंक्शन के लिए अभी है लगन और मैंने पहना है टाइन डाई का लहंगा विद अ ब्यूटीफुल ब्लाउज। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ मेरा। तैयारी चल रही है विक्रम की, बस इसका मेकअप सेशन चल रहा है, लास्ट स्टेज पे है। हर जगह बस तैयारी है तैयारी, लड़के भी आ चुके हैं हमारे और वी ऑल आर रेडी नाउ। हम लोग सब तैयार हो चुके हैं अच्छे से। मासी आल्सो लुकिंग वेरी प्रीटी और हमारी बहन भाई कजिन तैयार हो गए, दूल्हे राजा भी तैयार हो गए। थोड़ी देर में जाएंगे खाना खाने, थोड़ा सा फंक्शन में डिले हो रहा है पर शादी वाला खाने चलता रहता है भाई साहब। मम्मी बड़ी क्यूट लग रही है, मम्मी टंग के दिखा, टंग के दिखा। मम्मी बहुत सुंदर लग रही है। मम्मी बताया क्या, तू पार्लर वाले से अच्छी खुद के अच्छे अच्छी लग रही है ना। मम्मी भी तो सुंदर लग रही है। मेरी मम्मी को ना आपको आपका मेकअप ज्यादा चलो, मैं सेल्फी लूं मम्मी के साथ। चलो काफी क्यूट लग रहा है, यानी मेहंदी के हिसाब से काफी ब्यूटीफुल सेटअप है ये। सारी गाली वाली लग गई और यहाँ सारा फूड का सेटअप है। थोड़े टाइम में खाना भी चालू हो जाने वाला है। गर्मी बहुत है तो कूलर के इंतजाम के, पर भाई गर्मी से तो कोई निजात है ही नहीं। थोड़ा टाइम में मेहंदी भी शुरू हो जाएगी। सबकी हालत बहुत टाइट हो गई है, गुस्सा से सब तैयार होकर निकले थे घर से, पसीने ने और गर्मी ने सबके छक्के छुड़ा दिए हैं। मेरी मम्मी दिमाग से फिलहाल घर में थोड़ी है और गर्मी तो ही है, तो दोनों जो गर्मी है हमको जला रही है। और इसी मौके पर भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, महान काम के बारे में लगे महान काम किया। वैसे बहुत गर्म है, कम से कम आपने मम्मी को ठंडा कर देना है पानी पिला के। और सबसे तो खुशी इस बात की मेरे को कि लहंगे ने काम लगा दिया।
चार कॉम्प्लीमेंट मिल गए तो पैसे वसूल हो गए कम में कम। ऑनलाइन लेंगे जिंदाबाद, अब प्रमोट करूंगे मेरे को थोड़ा सा। हमारा फंक्शन डिले हो रखा है तो कोई बात नहीं, पर सब खाना पीना कर रहे हैं अपना इधर। अब बेचारी मौसी और देखो कहाँ खड़े हैं, बेचारे कूलर के सामने खड़े होकर हवा ले रहे हैं। गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर दिया है, यानी ढोल है पर हम नाचने की हिम्मत नहीं, इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है। कुछ तो इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, इनकी गुफ्तगू में थोड़ा सा पॉज करना था। यहाँ लगने लगी है दीदी लोगों को मेहंदी। बस अब मेहमान आने ही लगे हैं, फाइनली मेहमान आ चुके हैं हमारे। उसके सारे इंडोर वाली फैमिली आके बैठ चुकी है। चाचा लोग बैठे सो इनकी भी कुछ अच्छी लगती है। यहाँ सब विक्रम के निछावर करने लगे हैं, बस अब लगा उसका कार्यक्रम खत्म होने के लिए आ गया है। आपको इन्वाइट कर रहे हैं आइसक्रीम। यहाँ लग रही है हमारे दूल्हे राजा की मेहंदी।